बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल, 5 अप्रैल है। सब्जेक्ट है 83364B, चैप्टर नंबर 4, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ऐसा साइक्लो कन्वर्टर जिसे सिंगल फेज एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, हम उसे सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। ये आपके सामने सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की कनेक्शन डायग्राम है, जिसमें दो दद ब्रिजेज इस्तेमाल किए गए हैं। एक ब्रिज पी कन्वर्टर है और दूसरा ब्रिज एन कन्वर्टर है। पी कन्वर्टर ऐसा ब्रिज या ऐसा कन्वर्टर जो एसी सप्लाई के पॉजिटिव साइकिल को डिज़ाइन करेगा, और एन कन्वर्टर ऐसा ब्रिज जो एसी सप्लाई के नेगेटिव साइकिल को डिज़ाइन करेगा। इनमें एससीआर की तरतीब बिल तरतीब T1, T2, T3 एंड T4, इसमें भी SCR की तरतीब बिल तरतीब T1, T2, T3 एंड T4 है, और हमारे पास लोड है। ठीक है, अब इसकी आ जाती है वेव फार्म। तो वेव फार्म में आप देखें, वेव फार्म को मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। वेव फार्म को देखें, इनपुट पे AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का साइकिल शो किए गए हैं, और ये थ्री नंबर ऑफ साइकिल हैं। ठीक है, तो हमने जो थ्री नंबर ऑफ साइकिल हैं, इनको हमने पी कन्वर्टर के ज़रिए गुजार कर देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले साइकिल के दौरान T1 और T2 पी कन्वर्टर के ने कंडक्ट किया है, और 180 डिग्री या पाई का ऑफ साइकिल डिज़ाइन, पाई का साइकिल को हमने क्या किया, शिफ्ट किया। फिर उसके बाद T3 एंड T4 और फिर T1 एंड T2, यानी कि तीन हाफ साइकिल ने पी कन्वर्टर में से गुजरकर एक हाफ साइकिल को डिज़ाइन किया, जिसको मैंने रेड लाइन या डॉटेड लाइनों की सूरत में शो किया हुआ है। फिर इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर भी तीन हाफ साइकिल को एन कन्वर्टर में से गुजारकर एक हाफ साइकिल डिज़ाइन किया गया, यानी कि 554 डिग्री के जो टोटल हाफ साइकिल थे तीन, उनको एक 180 डिग्री के हाफ साइकिल में शिफ्ट किया गया है। हमारे पास यहाँ पर इनपुट पर तीन कंप्लीट साइकिल थे, तो हमने उनको एक कंप्लीट साइकिल की में शिफ्ट किया है, और ये साइकिल जो सा है मैंने डॉटेड लाइनों की सूरत में दिखाया हुआ है। तो ये साइक्लो कन्वर्टर ने स्टेप डाउन का काम किया है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल को कम नंबर ऑफ साइकिल में तब्दील किया है। तो बेसिकली उस दिन भी आपको बताया था कि साइक्लो कन्वर्टर जोन से होते हैं वो दो इकसाम के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जो इनपुट या रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को हाई में तब्दील कर दे वो स्टेप अप, जो इनपुट या रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को लो में तब्दील कर दे वो स्टेप डाउन। साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली दो इकसाम के हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई। फर्स्ट आज मैंने आपको पढ़ाया है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, अब इसका दूसरा एक आएगा थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। जो थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है, जिस तरह सिंगल फेज दो ब्रिजेस पर मुश्तमिल है, तो थ्री फेज के 6 ब्रिजेस होंगे। इसमें एक ब्रिज के अंदर चार एससीआर, उसमें एक ब्रिज के अंदर 3 SCR होंगे, और एक टोटल जो उसके अंदर SCR की तादाद होगी वो होगी 18, यानी कि 18। यहाँ पर जो टोटल SCR की तादाद है वो आपको सामने नज़र आ रही है 8। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर की डायग्राम और वेव फार्म को ज़ेर बहस लाएंगे। आज तक के लिए लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।